असलम डयर स्टूडेंट्स टुडे वी आर इन द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ़ द डाटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स मैं आपका टीचर हूँ नयर मसूद और इस कोर्स का जैसा कि आप जानते हैं वो है सी एस फोर जीरो थ्री इन द प्रिस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द फिजिकल डाटा बेस्ट डिजाइन और इसके अंदर हमने खासतौर पर देखा कि डी नॉमलाइजेशन क्या होती है ऑल दो जिस वक्त हम नॉर्मलाइजेशन पढ़े थे आई एम्फसाइज के नॉर्मलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप इन दी डाटा बेस डेवलपमेंट प्रोसेस लेकिन जहाँ हमने कहा देखा कि जहाँ पर हमें पता चले कि जहाँ पे एफिशिएंसी हमें गेन होती है तो वहाँ पे हमने किसी स्टेज पे हमने उसको नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करके टेबल्स को डी नामाइज कर लिया इसके अलावा फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में एक और इशू था पार्टीशनिंग का पार्टिशनिंग से ये मुराद है कि हम एक सेम टेबल को उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें मुख्त हिस्सों में तकसीम कर दें क्यों अगेन द एफिशिएंसी रीज़न तो पिछले लेक्चर में वी डिस्कस हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग और अब जो पार्टिशनिंग की दूसरी टाइप है वर्टिकल पार्टिशनिंग उससे हम आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो ये चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ वर्टिकल पार्टिशनिंग जैसे नाम से जाहिर है कि वर्टिकल पार्टिशनिंग स्प्लिट्स ब्रेक्स द सेम टेबल वर्टिकली एट्रीब्यूट वाइज कॉलम वाइज जबकि जो हॉरिजल पार्टिशनिंग थी वो आप देख चुके हैं कि वो रोवाइज करती थी जबकि यहां पर आपके पास हो रही है एट्रीब्यूट वाइज सेम टेबल इज स्प्रेड इन टू डिफरेंट फिजिकल रिकॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सेसिस और साथ में प्राइमरी की इज रिपीटेड इन ऑल वर्टिकल पार्टीशन ऑफ अ टेबल टू गेट द ओरिजिनल टेबल देखिए वेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द दार्टिशन आई टोल्ड यू दैट द जनरल रूल फॉर पार्टीशनिंग

Uh, उस सेम टेबल की तो देर यू गो फॉर दी हॉरिजेंटल पार्टिशनिंग कुछ रिकॉर्ड्स को वहां प्लेस कर दे कुछ को वहाँ प्लेस कर दे पार्टीशन में दैट इज हॉजेंटल पार्टिशनिंग वैन यू टॉक अबाउट वर्टिकल पार्टिशनिंग अगेन फिर वही बात है कि अगर आप देखते हैं कि आपके कुछ जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो खास एप्लीकेशन में एक्सेस हो रहे हैं टेबल सेम है लेकिन उसको कुछ एट्रीब्यूट्स फर्ज करें कि आपको एक टेबल में प्लट से बीस एट्रीब्यूट्स हैं आप देखते हैं इनमें से बारह के करीब जो है वो हमारे पास मैक्सिमम uh, एप्लीकेशन में इकट्ठे एक एक्सेस होते हैं और बाकी आठ जो हैं वो बाकी बहुत एप्लीकेशन में इकट्ठे एक एक्सेस होते हैं कुछ थोड़ी सी ऐसी एप्लीकेशन भी हैं हैंट एक्सेस दैम टुगेदर टुगेदर से हमारा ये सारे के सारे ज़रूरी नहीं है टुगेदर से हरा है कि अगर आपने दो पार्टीशन मना लीजिए ये बारह इसमें है और आठ इसमें फर्ज करें बीस की बजाय तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जो एक दो इसमें से चार पांच इसमें से या पांच छह इसमें से दो तीन इसमें से यानी दोनों पार्टीशन से कुछ एटीट्यूड को एक्सेस करती हैं तो जब आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशन ऐसी हो कि जो कि अगर आप टेबल को स्प्लिट कर दें वर्टिकली तो मैक्सिमम एप्लीकेशन आपकी एक किसी पार्टीशन पे जाएं इस पर या इस पर या अगर आपने तीन की हैं तो चार जितनी भी की हैं तो मैक्सिमम पार्टीशन जो एप्लीकेशन हैं दे रिस्ट्रिक्ट ऑन द सिंगल पार्टीशन लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि मल्टीपल पार्टीशन के ऊपर भी जाती हैं उस केस में यू कैन थिंक एम वी कैन पार्टीशन दम वर्टिकली अब यहां पे आपके सामने एक आ, टेबल दिखाया गया है इसमें अगर आप देखें तो इसमें आ, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल है इसमें आप कुछ तो आपके पास पुराने फेबीलर एट्रीब्यूट हैं लाइक स्टूडेंट आई है स्टूडेंट नेम है स्टूडेंट एड्रेस है स्टूडेंट का फोन है सी फिर प्रोग्राम नेम किस प्रोग्राम में वो एनरोल्ड है फिर स्कूल और स्कूल से बात यहाँ पर यह कि जिस स्कूल से उसने मैट्रिक अपना एग्जाम पास किया था उस स्कूल का यहाँ पर नाम आ गया देन मैट्रिक मार्क्स उसमें हो गए फिर मैट्रिक सब्जेक्ट्स आया वो लर्स से साइंस था या कि आर्ट्स में जो भी वो यहाँ पर आ सकता है उसके बाद फिर जो उसका इंटरमीडिएट ए सी एफ ए था उसके बारे में डाटा यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट हैं कॉलेज नेम इंटर के मार्क्स और इंटर के सब्जेक्ट्स ये तीन एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पर हो गए उसके बाद आपके पास जो उसकी ग्रेजुएशन की डाटा है वो यहां मौजूद है लाइक डिग्री कॉलेज नेम के बैचलर के मार्क्स और बैचलर के सब्जेक्ट्स तो ये जो तीन आपके वो उसके बैचलर के बारे में तो, तो प्राइमरी है इफ यू नो द स्टूडेंट आई तो आप इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं नॉर्मलाइज टेबल वो आप, आपका चुके

आगे आके जब हम कहते हैं कि इट्स बेटर टू है अब सेकेंड चीज आपने ये देखी कि नेचर ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मरा जो लोग जितने भी प्रोग्राम जितने भी यूजर के रिक्वायरमेंट्स दैट एक्सेस डाटा फ्रॉम दिस टेबल आप उनकी नेचर को देखें तो उसकी नेचर के लिहाज से देखें कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जो इसमें से सिर्फ वो डाटा एंटर एक्सेस करती हैं इस्तेमाल करती हैं कि जो स्टूडेंट्स का सॉर्ट ऑफ पर्सनल डाटा है मिसाल के तौर पे उसका नाम हो गया एड्रेस हो गया फ़ोन नंबर हो गया सी प्रोग्राम नेम इनको हम कहते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ दे आर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट या उसकी अपनी ज़ात सी है पर्सनल उसको हम कह देते हैं और बाकी जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड था इसके या इसको हम प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड कहते हैं अगर उसका का हुआ फिर उसका इंटर का हो गया बैचलर का हो गया तो ये उसको हम यूज कर सकते हैं अब हमारी एप्लीकेशन की नेचर ऐसी है कि फर्ज़ करें कुल हमारे पास जो ना वो तीस डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम थे कि जो इस टेबल में से डाटा एक्सेस करते हैं वेन वी एनालाइज दोज रिक्वायरमेंट्स वी फाइंड आउट कि उनमें से फर्ज करें तेरह जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थे वो ऐसे थे कि जो सिर्फ स्टूडेंट का पर्सनल डाटा एक्सेस करते हैं इसी तरह हमारे पास फर्ज़ uh, करें पंद्रह ऐसे प्रोग्राम थे पंद्रह ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम थे ऐसी एप्लीकेशन थी कि जो उसका सिर्फ एकेडमिक डाटा यानी कि स्टूडेंट का आईडी लिया और फिर उसका उस, उसका स्कूल का मतलब कहां से किया उसने उसके मार्क्स कितने थे वगैरह वगैरह ये डाटा सिर्फ एक्सेस करती हैं तो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो तो सिर्फ इसके एक पार्ट को कर रही हैं लेकिन दो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन थी कि दैट आर एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम बोथ दिस पार्ट दैट वी हैव सम हाउ लॉजिकली स्टेब्लिश्ड विद इन दिस टेबल तो अब हमारे पास अगर देखें कि मैक्सिमम पार्ट के लिए चूंकि Uh, हमारे पास वो अलग अलग हो सकता है टेबल और देखिए इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है इस टेबल को पार्टीशन करने में ब्रेक करने में अदरवाइज टेक् टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज ए परफेक्टली यूनाइटेड सिंगल टेबल इसको और कोई रीज़न नहीं है करने की ये तो बनता ही एक टेबल है लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इसको स्प्लिट कर लें तो हमारी जितनी एप्लीकेशन हैं मैक्सिमम ऑफ देम विल बी हैंडलिंग विद ए स्मॉलर टेबल जहरा के पहले अगर इसमें हम कहते हैं रफली इसमें बारह तेरह एट्रीब्यूट हैं तो अब अगर जब आप उनको दो स्प्लिट करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ योर एप्लीकेशन आर हैंडलिंग विद्यलूट तो वो ऑटोमेटिकली जो ट्यूबवेल का साइज रिड्यूस होता है तो उसको रीड करने में उसको राइट करने में उसको ज्वाइन करने में ऑल ऑपरेशन दे गेट एफिशियंट एंड वट अबाउट दोज एप्लीकेशन जो कि दोनों का इकट्ठा करती है हा दे बिकम रिवी लेस एफिशियंट क्यों इसलिए कि जब आप उनके लिए जब आपको एप्लीकेशन रन करेंगे तो उनके लिए प्रीवियसली वर फाइंडिंग देअर रिक्वायर्ड डाटा इन द सेम टेबल सिंगल टेबल अब जब आपने इसको पार्टीशन कर दिया वर्टिकली उसमें क्या होगा कि अब आपको उन एप्लीकेशंस को डाटा uh, लेने के लिए दो पार्टीशन को या दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा थिंग इज के आउट ऑफ थर्टी ओनली टू आर बींग डिस्टर्बड ट्वेंटी आर बींग गेटिंग एफिशेंट लेकिन यहां पर एक और लेकिन भी है. अगर उन दो में से एक जो है वो बॉस एक्सेस कर रहा है तो फिर तो जाहिर है मजबूरी है ठीक है लेकिन जनरली मैं आप रूल आपको बता रहा हूं कि इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप यू विल गो फॉर द स्प्लिट क्या कहेंगे हम इसको वर्टिकली पार्टीशन कर लेते हैं देखिए हमने इस टेबल को कैसे पार्टीशन किया है द वन टेबल वी क्रिएटेड एज सिंपली द स्टूडेंट और इसमें वही जो हमने लॉजिकल इसकी डिवीजन की थी कि हमने इसमें नेम एड्रेस फोन सी और प्रोग्राम नेम ये हमने एक उसमें डाल लिया और दूसरा हमने पार्टीशन uh, जो क्रिएट की है वो का है स्टूडेंट एकेडमिक इस मीन्स के प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड उसका और वहां पे स्टूडेंट आईडी स्कूल मैट्रिक मार्क्स और जितने बाकी सब्जेक्ट थे उसके मैट्रिक से इंटर से और बैचलर से ऑल एट्रीब्यूट्स वी प्लेसड इन द सेकंड टेबल तो इस तरह से हमने उसको वर्टिकली पार्टीशन कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वर्टिकल पार्टीशनिंग डेफिनेटली प्लेस द प्राइमरी की इन बोथ द पार्टीशन यानी इस लिहाज से आप थोड़ी सी ये इनफिशेंसी भी इसमें आ गई कि द पार्टी द प्राइमरी की इज बींग स्टोर्ड रिपीटेडली दो दफा स्टोर हो रही है पहले एक दफ़ा हो रही थी बट दिस इज ए मस्ट दिस इज रिक्वायर्ड क्यों इसलिए कि इसके बगैर विदाउट स्टोरिंग द प्राइमरी की इन बोथ दार्टीश यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन दिज टू टेबल्स आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस स्टूडेंट का नाम ये है जिसका एड्रेस ये है उसके मैट्रिक के मार्क्स ये हैं उसके uh, इंटर के कॉलेज uh, ये है हाउ वुड यू स्टेब्लिश द लिंक बिटवीन दिस टू टेबल्स ओनली थ्रू द प्राइमरी की और ये दोनों में ही काम करेगी एस प्राइमरी की क्योंकि इस तरह की एक जो पार्टीशन है उसमें uh, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि दे मस्ट बी लॉसलेस लॉसलेस से हम ये है कि जिस वक्त हमें ओरिजिनल टेबल वापस चाहिए वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट द ओरिजिनल टेबल ओरिजिनल मीन्स बोथ वेज एट्रीब्यूट भी सारे के सारे मिलने चाहिए यानी जो एट्रीब्यूट नेम्स हैं वो भी सारे मिलने चाहिए और डाटा भी वही का वही मिलना चाहिए जैसा कि ओरिजिनल टेबल में होता और उसके लिए जरूरी है कि यू प्लेस द प्राइमरी की इन बोथ द रिलेशन इसलिए ये याद रखिएगा कि वेन एवर यू गो फॉर द वर्टिकल पार्टीशनिंग ऑलवेज प्लेस द प्राइमरी की इन बोथ दैट वॉज इट अबाउट द वर्टिकल पार्टीशन आई होप आपको समझ आ गया होगा और जाहिर है कि जैसे uh, पहले डिफरेंट सिचुएशन uh, होता है कि वी ऑल्सो कैन कम्बाइंड डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर भी यू कैन मर्ज डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास दो ऑप्शन हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग और हॉर्जेंटल पार्टीशनिंग यस वी कैन हैव ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऐसा टेबल भी हो सकता है जिसको आप वर्टिकल uh, पार्टीशन भी करें और हॉर्जेंटल भी करें क्योंकि एक चीज देखेगा कि नॉर्मली जो आपकी हॉर्जेंटल पार्टिशनिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन द सेलेक्ट स्टेटमेंट और वो उसकी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे होती है वेयर इज द वर्टिकल पार्टिशन थिंक यू स्पेसीफाई द नेम्स ऑफ द एट्रब्यूट दैट आर बींग प्लेसड दैट हैज भी प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्टीशन तो इन द वर्टिकल पार्टिश थी द एट्रीब्यूट नेम्स वेर एज इन केस ऑफ हॉरिजेंटल पार्टिशथिन यू अप्लाई ए कंडीशन ऑन द वैल्यू ऑफ समब्यूट और उसके बेसिस पे दैट दे आर पार्टिशन दैट वेट अबाउट द पार्टिशन अगेन एन ऑप्शन

डेटा इज स्टोर डेटा इज डुप्लीकेटेड अननेसेरीली नॉट रिक्वायर्ड जो रेप्लीकेशन है वो यह है कि यू आर डिलीवरेटरी डुप्लीकेटिंग द डाटा तो दैट इज कॉल्ड द रेप्लीकेशन और यह जाहिर है कि जो हमारा नॉमनाइजेशन है उसके एक बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है बट इन मैनी सिचुएशन इट इज वेरी एडवांटेजियस एट इज डुप्लीकेटेड इनक्रीजेज द एक्सेस स्पीड एंड फेलियर डैमेज वही बात है जैसे आपने डिसकंटेंशन की बात की थी तो अगर कोई डाटा आपका ऐसा है कि जो बहुत सी एप्लीकेशन में आपको चाहिए यानी आप अगर आप एक एट्रीब्यूट की बात अगर आप एक टेबल की ही बात करें तो कुछ ऐसा उसका पार्ट है कि जो मुतिशन ले रही हैं लेकिन कुछ ऐसा है कि जो कि ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशन एक्सेस कर रही हैं तो उसके लिए ऑफ ऑल आर गोइंग फॉर दैट उस जो आपका डाटा बार बार एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है उसको आप डुप्लीकेट कर लें उससे ये होगा कि जो पहले तमाम अपलिकेशन अगर एक जगह पर एक्सेस कर रही थी उस डाटा के लिए नाउ दे आर गोइंग एट द मल्टीपल प्लेसेज चाहे आप इवन यू कैन प्लेस दम ऑन द डिफरेंट डिस्क तो उससे भी आपका जो वो जो डिस्क कंटेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और फिर ये है कि फेलियर डैमेज को भी रिड्यूस करता है कि अगर लेट्स से अगर आपको एक जो आपने मल्टीपल कॉपीज रखी हुई लट से दो ही कॉपीज रखी हुई हैं उनमें से अगर एक डैमेज भी हो जाती है तो वो उस डैमेज का जो नुकसान है वो उसको रिड्यूस कर देती है क्योंकि हमारे पास कुछ उसकी एक दूसरी कॉपी मौजूद है तो दिस इज द द ऑफ डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट आप पूरे के पूरे के टेबल को भी कर सकते हैं और चाहे तो उसके किसी एक हिस्से को बना तो कुछ एट्रीब्यूट्स को या कुछ उसके हॉर्जिटल पार्ट को या इसके वर्टिकल पार्ट को भी रेप्लीकेट कर सकते हैं अगेन योर डिसीशन यानी आप देखेंगे कि जो टेबल क्रिटिकल है क्रिटिकल इस लिहाज से कि अपनी जो आ, उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी कि आप इसको लूज करना और नहीं कर सकते इसका जो अन अवेलेबिलिटी है आपकी जो रूटीन में रन हो रहा है उसमें एक खास टेबल जो है वो किसी भी वक्त के लिए हमें जो है ना अन अवेलेबल नहीं होना चाहिए इट मस्ट बी ऑलवेज अवेलेबल तो ये तो उसकी क्रिटिकल होगी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी और दूसरी बात यह है कि आपको ये पता चाहिए कि आप अगर वो जो है वो बहुत सी प्रीकेशन को एक्सेस कर रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो इन दो बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि आया मुझे पूरे के पूरे टेबल को रेप्लीकेट करना चाहिए या उसे किसी हिस्से को जनरली अडोप्टेड वेयर अपडेशन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इसलिए कि आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि डोंट परफॉर्म डोंट गो फॉर द एफिशंसी ऑन द कॉस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस क्योंकि तो जब आपका डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो रेप्लीकेटिंग डाटा का प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू अपडेट दैट यू हैव टू मेक अपडेशन ऑन ऑल द रेपीका क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कॉपी में दूसरे uh, में नहीं की इट इंट्रोड्यूस सेम चीज के बारे में एक कॉपी कुछ और कह रही है डाटा की और दूसरी कॉपी कुछ और कह रही है तो इसलिए एक जनरल रूल तो यह है कि वेन एवर देर इज रेलेटिवलीस चांसेज ऑफ अपडेशन अपडेशन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट तो वहां पे आप सोचे कि इसे जनरली सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द्लीकेशन यानी अपडेशन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है एक्सेसिस उसकी बहुत ज्यादा हो रही है तो अगर आप एप्लीकेट कर देंगे इट वुड बी वेरी वेरी एफिशियंट वो एफिशियंसी को बहुत इंक्रीज कर देगा एफिशियंसी को क्यों कि आपकी जो डाटा है वो बजाय अब तमाम एप्लीकेशन एक जगह से लेने के दे आर बींग डाइवर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेज तो उस तरह से आपका एफिशियंसी बढ़ जाएगी लेकिन अपडेशन के बारे में आपने बहुत अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल uh, जो इस डिस्कस हो रही है आपको याद होगा कि हमने uh, कुछ देर पहले जब हमने बात की थी डी नॉर्मलाइजेशन की और एंड देयर वी डिस्कस्ड ए सिचुएशन वेयर वी सॉ ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय और हमने ये कहा था कि हम ये करते हैं कि जो वर्क है यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ये उसकी डेट हाइड है ये उसकी सैलरी है इसको हमने कॉपी कर दिया था या मिला दिया था हमने प्रोजेक्ट के साथ तो जो हमारा प्रोजेक्ट है टेबल था इट कंटेन नॉट ओनली द डाटा अबाउट द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो अबाउट द एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट अब फर्ज करें कि हमारी एप्लीकेशन की नेचर ऐसी है कि हमारी वो एप्लीकेशंस जो कि प्रोजेक्ट के डाटा एक्सेस करती हैं लेकिन साथ ही वो जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके बारे में डाटा एक्सेस करती हैं तो दोज एप्लीकेशंस बिकम एफिशिएंट क्यों कि अब जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है और जो उस पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उसी टेबल के ऊपर है लेकिन फर्स्ट करें अगर हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो वेरी फ्रिक्वेंटली एक्सेस द एम्प्लॉय नेम एंड ऑल्सो द प्रोजेक्ट नेम एंड डेट हाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब उन तमाम एप्लीकेशन के लिए क्या होगा कि दे विल हैव टू यूज द ज्वाइन ऑपरेशन ऑन द एम्प्लॉय एंड ऑन द प्रोजेक्ट तो यहां पर यू कैन थिंक ऑफ कि अगर हम ये कर दें कि हम इसको रेप्लीकेट कर दें क्या मतलब है इसका कि जो हमने इंफॉर्मेशन या जो हमने जो वर्क वाला जो टेबल था जिसको हमने मर्ज कर दिया था प्रोजेक्ट के साथ साथ ही हम उसको मर्ज कर दें एम्प्लॉय के साथ भी इससे क्या होगा इसमें होगा ये कि अब आप क्या करेंगे कि अब आप जो एम्प्लॉय का टेबल है इट बिकम्स एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम और साथ ही फिर आ जाएगा उसमें प्रोजेक्ट आईडी और उसमें आ जाएगा अपना डेट हायर्ड और सैलरी अब जो आपकी जो ये दो एट्रीब्यूट हैं टोटल सैलरी

स्टोरेज की वेस्टेज इज देयर पक्की बात है बट इफ यू कैन अफोर्ड दैट एक बात कि आप अगर इस रेडेंसी को अफोर्ड कर सकते हैं एक और दूसरी बात यह है और आपके अफोर्ड करने, करने से मुराद आप आपके अफोर्ड करने से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन इज हैज नो मच ऑब्जेक्शन ऑन दैट तो उस केस में आप कहेंगे ठीक है मतलब ये चल जाएगा दूसरी बात यह है कि अगर अपडेशन इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट आप डाटा एंटर करते हैं लेकिन डेटा तो आप एंटर करते रहें लेकिन उसको चेंज करना क्या बस इसका मतलब यही है कि फर्स जैसे कि सैलरी आपने एक दफा फिक्स कर दी कि एम्प्लॉई है उसकी फलांस प्रोजेक्ट पे ये सैलरी है आपने एम्प्लॉय के अंदर भी स्टोर कर दी और प्रोजेक्ट में भी स्टोर कर दी उसी एट्रीब्यूट में अब इस तरह के ऑप्शन ना हो कि वह बार बार चेंज करते हो कि अभी नहीं सैलरी पहले मैंने गलती से वहां पर लिख दी थी ये अब ये कर दी है और ये गलती बार बार ना हो रही हो तो उस केस में इसका मतलब यह कि आप इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है तो फिर यह है कि ये अगर दो सिचुएशन आपकी हैं तो आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है कि आप जो ये जो डाटा ज्यादा फ्रीक्वेंटली चाहिए इसको आप दोनों में रेप्लीकेट कर दें एडवांटेज एडवांटेज ये है कि फॉर फॉर मोस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑल रिक्वायर्ड डाटा दे विल फाइंड इन द सेम टेबल ये बहुत बड़ी बात है इसलिए कि यू आर अवॉइडिंग द द्वाइन यू आर अवॉइडिंग द एक्सेस ऑफ टू टेबल्स आपको एक ही टेबल से तमाम डाटा मिल रहा है ये तो है कि जब आप एक पार्ट ऑफ टेबल को रेप्लीकेट कर रहे हैं बस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फर्ज क्या प्रोजेक्ट का ही टेबल है वो बहुत सी डिफरेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें तो भी आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट पूरे टेबल को ही दो दफा आप स्टोर कर लें और डिफरेंट एप्लीकेशन में उसकी डिफरेंट कॉपीज को इस्तेमाल करें डिफरेंट एप्लीकाज को इस्तेमाल करें बट कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई चेंज करें कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करने जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में कोई चेंज करने जा रहे हैं तो यू हैव टू मेक इट ऑन ऑल द एप्लीकाज क्योंकि

या उसको आप आ, उसको आप टेबल्स को डिनॉर्मलाइज नहीं कर रहे उस केस में होगा ये कि द रिकॉर्ड ऑफ द सेम टेबल आर स्टोर्ड एडजस्ट टू इच अदर नेक्स्ट टू इच अदर यानी एक जनरली एक ये कह लें कि एक फाइल में एक टेबल के रिकॉर्ड्स होंगे एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पे। लेकिन क्लस्टरिंग जो है वो एक ऐसी ऑप्शन आपके पास है कि दैट इंक्रीज एफिशंसी बाय स्टोरिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन द सेम इन द एडजस्टेंड प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर उसका एडवाटेज आपको क्या है एडवाटेज आपको यह है कि जब आपने एक्सेस करना है उन रिलेटेड रिकॉर्ड्स को तो बजायज के यू गो फिजिकली ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑन द डेस्क डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस करें वो फिजिकली एक ही फाइल में स्टोर्ड है और एक दूसरी वजह की बात उसमें यह है कि जो आपके जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो साथ पड़े हुए हैं इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है दैट दैट इज इज रिलेटेड टू द फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फाइल्स यस क्लस्टरिंग इज ऑल्सो सुटेबल टू स्टैटिक सिचुएशन यानी जिस सिचुएशन में आप मॉडिफिकेशन जो हैं चेंजेस जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे डाटा इज रिलेटेड स्टैटिक इतना जल्दी चेंज नहीं होता उनमें क्लस्टरिंग जो है वो बहुत सुटेबल है डिफाइन क्लस्टर डिफाइन द की ऑफ द क्लस्टर इंक्लूड द टेबल्स इन टू द क्लस्टर वर्ल्ड क्रिएटिंग एसोसिएटिंग द की विद इट इसका बेसिक आइडिया यही है कि सबसे पहले आप एक क्लस्टर को डिफाइन करेंगे कि ये एक क्लस्टर है और ये उसका नाम है और साथ ही आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे कि जो के एक यूनाइटिंग या बॉन्डिंग फोर्स होगा बिटवीन द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट टेबल्स जो कि इस क्लस्टर का हिस्सा बनने जा रहे हैं अब आप करेंगे क्या कि आप क्लस्टर क्रिएट किया उसके बाद आपने जब और उसमें की मेंशन कर जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो फाइल क्रिएट करते हुए यू ऑल्सो मैंशन दैट दिस फाइल इज अ पार्ट ऑफ या इज रिलेटेड टू दैट क्लस्टर और थ्रू दिस की उस एट्रीब्यूट का नाम भी दे दें और जनरली ये प्राइमरी की होती है तो आप इस तरह से आपने उसको प्राइमरी की बता दिया कि ये उस क्लस्टर का हिस्सा है इसी तरह आपने दो दूसरा अपने टेबल जो उसके जो उससे रिलेटेड है उसको भी आपने उसी क्लस्टर का हिस्सा बना दिया इसका आपको एडवांटेज ये होगा कि जब आप उसमें डाटा एंटर करेंगे तो ऑल द रिक्ड दैट आर रिलेटेड टू इच अदर वो फिर एक दूसरे के साथ साथ स्टोर होंगे फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट वी कंसिडर दैट वन एम्प्लॉय वर्क इन वन डिपार्टमेंट एंड इन वन डिपार्टमेंट देर मेनी एम्प्लॉयज इस केस में वी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेस दम टूगेदर द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय we decide to put them in the same cluster to store them in the same cluster so what we do we define a cluster then we create the department table and we declare that this is the primary key of uh, the this department table and on the basis of this primary key this is the part of this particular cluster this is one step then what we do we create the employee table and the employee table due to one to many relationship it contains

उसके बाद उससे जितने रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसका रिकॉर्ड उसके बाद स्टोर हो जाएगा फिर एक और डिपार्टमेंट उसके साथ उसके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड एडवांटेज ये है कि वैन एवर यू रन द एप्लीकेशन और आपको चाहिए कि जी इस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉयज हैं तो डिपार्टमेंट का डाटा यू ही एक्सेस करेंगे तो फिजिकली साथ ही उसी जगह उसी ब्लॉक में साथ ही आपके पास एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड पड़े होंगे तो उससे होगा कि आप यू डू नॉट नीड टू गो ऑन टू टू डिफरेंट फिजिकल लोकेशन टू एक्सेस दीज टू टेबल्स अदर ऑल योर रिकॉर्ड डाटा इज प्लेस्ड एट द सेम प्लेस और माइंडेड इसमें जो आपके टेबल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा मतलब यू कैन स्टिल एक्सेस दी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली यू कैन स्टिल एक्सेस दी इंडिपेंडेंटली अब उसे सब ये मत समझ लीजिएगा कि वो हमेशा इकट्ठे एक्सेस होंगे नहीं लेकिन सिचुएशन की अगर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेस टूगेदर दैन प्लेस दम फिजिकली टूगेदर उससे डेफिनेटली आपकी वो तमाम एप्लीकेशन जिनको इकट्ठा एक्सेस कर रही हैं दे बिकम मोर एफिशिएंट हो सकता है कि जो आपकी सिर्फ डिपार्टमेंट कर रही हैं वो डिपार्टमेंट के साथ आगे दूसरे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ बल्कि किसी और चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो वो हो सकता है थोड़ी इन हो जाए बट अगेन बिकॉज मैक्म ऑफ द एप्लीकेशन आर एक्सरसाइज टूगेदर तो मोस्ट ऑफ द देशन बिकम तो जाहिर है कि जब आप एक एबनॉर्मल या थोड़ी सी एक रूटीन से हट की चीज अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके कोई ड्रॉबैक्स तो होंगे अगेन you have to compare the benefit and the cost. If the benefit outweighs the cost, ko, go for it. Dear students, so far we have discussed three or four different issues regarding the physical database design. This may we studied uh, what is data volume and usage analysis. Then we discussed what do we mean by ya, how do we design the fields. We data type and coding. इसके अलावा वी डिस्कस्ड द डी नॉर्मलाइजेशन वन ऑफ ए गुड ऑप्शन बट दैट हैज टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली देन वी डिस्कस्ड हॉरिजॉन्टल पार्टिशिंग वर्टिकल पार्टिशिंग और रेप्लिकेशन और फाइनली वी वर डिस्कसिंग द क्लस्टरिंग दीज आर द सम इशूज दैट यू हैव टू कंसिडर दैट यू हैव टू थिंक ड्यूरिंग द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बट दीज इशूज आर नॉट येट ओवर इसमें कुछ और भी इशूज हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं उनको हम फॉर द टाइम बिंग डिस्कस नहीं करते एक लेटर स्टेज पे जब हम के स्टोरेज का स्ट्रक्चर के बारे में खास तौर पे पढ़ेंगे हमारा एक और हमारा एक सेक्शन है टॉपिक है उसमें हम इन चीज़ों को टच करेंगे और आपको सब भी मैं रिमाइंड करवा दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं दे रिलेट टू द फिज़िकल डाइट डिज़ाइन उन इश्यूज़ में हैं मिसाल के तौर पर फाइल स्ट्रक्चर्स के हमारे पास बहुत ही फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके दरम्यान हमें चूज़ करना पड़ता है अगेन फॉर एफिशंसी मतलब अगर आप डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं गिव यू डिफरेंट परफॉर्मेंस डिफरेंट सिचुएशन में तो वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे या वो होते क्या क्या हैं इसी तरह इंडेक्सेस क्या होते हैं इनका एडवांटेज क्या है और आपको कैसे इंडेक्सेस सेलेक्ट करना चाहिए कैसे इंडेक्सेज बनाते हैं इसके अलावा रेड रेड भी एक बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट की अप्रोच है और इसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं लेकिन अगेन दिस टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ना जब हम वो पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो अपना जो फिजिकल डाटा भी डिजाइनिंग का टॉपिक है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आइए देखिए आगे क्या है और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और एस जैसा कि हम जिस वक्त डिस्कस कर रहे थे रिलेशन डाटा मॉडल को वहां हमने ये कहा था कि जो आपका रिलेशन डेटा मॉडल है इसके तीन पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर्स Integrity controls or manipulation language, and among the manipulation languages, we discussed in detail the relational algebra, and we also discussed briefly the relational calculus. And there I told you that these are the theoretical languages. Practically, the language that we use for the manipulation of the relational DBMS, relational databases, that is the SQL. But SQL is based on the relational algebra and relational calculus. So, uski jo understanding that can help you here. the dekhenge. SQL जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि यही वो टूल है यही वो लैंग्वेज है कि जो आप डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं यानी राइट फ्रॉम द डाटा बेस्ट डेफिनेशन और उसके बाद फिर जो आपके पास कंसेप्ट डाटा बेस डिज़ाइन था जो आपके पास रिलेशनल डाटा मॉडल है ट्रांसफॉर्मिंग है नामनाइजेशन है ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट दैम तो फिर उस वक्त आप SQL का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन स्टिल आपको SQL को अच्छी तरह समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स करवाऊँगा उसके आउटपुट वगैरह उससे आपको बताऊँगा और कुछ ये है कि आपको खुद अपने तौर से भी डिफरेंट बुक्स को देखें और डिफरेंट जगहों पे देखें जहाँ पे आपको SQL की क्यूरीज मिलती हैं करने के लिए उनको कीजिए क्योंकि जितनी आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये अच्छी तरह आएगी और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आप एस के जरिए जो क्यूरीज आप सॉल्व करते हैं क्यूरीज की नेचर पे भी बहुत फर्क है बाज़ क्यूरीज है वो सिंपल होती हैं जिनको आप नस्बता आसानी से कर लेते हैं बट सम क्यूरीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स तो आपको हर तरह की जो क्यूरीज उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताको आपको ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो और आपको इसकी चीज़ समझ आ सके जब इसकी चीज़ समझ होगी देन यू कैन वर्क इन ए बेटर वे विद डी बी या किसी भी डाटा सिस्टम के अंदर आइए पढ़ते हैं एसक्यूल के बारे में एस क्यूएल को सीक्वल भी कहा जाता है ब्रीफली uh, अदरवाइज uh, वैसे तो जहरा कि इट्स स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लेकिन नॉर्मली जहरा आप uh, पूरा तो नहीं कहते स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जस्ट आप एस क्यूएल कहते हैं लेकिन uh, इसको सीक्वल भी कहा जाता है तो आइंदा से हम ये दोनों टर्म इस्तेमाल करेंगे मीन्स द सेम थिंग ए डिफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर द रिलेशन डी बी एम एस ये एक्सेप्ट हो चुका हुआ है और ये जो भी आपका प्रोडक्ट जो भी आपका डी बी एम एस That claims to be a relational DBMS. It's definite that it would be supporting the SQL. And the standard is defined. So, the DBMS standard the is that have been accepted as standard. They must be supporting the standard SQL. The standard of the SQL has been accepted by bodies like NC and ISO. You bodies' First commercial DBMS that support uh, SQL. इन नाइनटीन सेवनटी नाइन वॉज ऑरकल जैसे यहाँ लिखा हुआ कि ऑरकल ने जो फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ नाइनटीन सेवनटी नाइन में इसका फर्स्ट वर्जन तो उसमें एसक्यूएल की सपोर्ट मौजूद थी इसी तरह एसक्यूएल uh, की एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं क्यूरी बाई एग्जाम्पल क्यू बी ई नॉर्मली जो क्यू बी ई है इज अ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ सिक्वल इट इज मोस्टली सपोर्टेड ऑन दी सी बेस्ड डी बी एम एस एस मिसाल तौर पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को देखें तो वो क्यों भी एक्सपोर्ट करता है ऐसे फॉक्सप्रो के वर्सन जो है वो भी सपोर्ट करते हैं तो पीसी बेस्ड आपके जो है ना वो डी बी एम एस वो ये सपोर्ट करते हैं इसका आइडिया क्या है आइडिया ये है कि जो एसक्यूएल है उसमें तो यू हैव टू राइट द प्रॉपर क्यूरीज जो उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट्स हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी वो आप देखते हैं उसके बाद को लिखते हैं नोइंग योर रिक्वायरमेंट आप उसके मुताबिक अपनी क्यूरी फॉर्म करते हैं और फिर वो आप एक्सीक्यूर करते हैं दिस इज वन वन वे ऑफ डूइंग वर्किंग विद दर सीक्वल क्यू बी ई है उसमें आइडिया ये है कि यू गेट ए सॉर्ट ऑफ स्क्रीन इनपुट फॉर्म की तरह से होगा एंड यू प्लेस योर क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ योर रिक्वायरमेंट इन इन दैट फॉर्म तो जब आप एग्जाम्पल अपनी वहां प्लेस करते हैं उस जो आपका फॉर्म है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उस पर आप अपना एग्जाम्पल डाटा प्लेस करते हैं उस एग्जाम्पल डाटा के बेस पे द टूल इट सेल्फ विल क्रिएट योर सिक्वल क्यूरी और वो उसकी मदद से आपका जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको पिक कर लेगा डीबीएमएस से दैट इज़ कॉल्ड क्यू बी ई क्यूरी बाई एग्जाम्पल थोड़ी सी हिस्ट्री एस क्यूएल की रिलेशनल डाटा मॉडल इंट्रोड्यूस बाई कॉर्ड इन नाइनटीन सेवेंटी ये हम सब जानते हैं पहले पढ़ भी चुके हैं कि कॉर्ड रिसर्चर था जो कि यूज टू वर्क इन आई बी एम रिसर्च लैब तो वहाँ पर काम करता था इसने सबसे पहले uh, पेपर इसने प्रजेंट किया था वेरी फेमस पेपर उसमें ये इसने जो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल है इसकी थेरी पेश की थी साथ ही वहाँ पे जो जब की रिसर्च लैब्स थी वहाँ पे एक रिलेशनल डी को बनाने की जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया उस वक्त वो इससे कहते थे सिस्टम आर उस पर उन्होंने काम शुरू किया इसको जैसे उन्होंने एक ट्रायल ट्रा, बेसिस पे लॉन्च किया तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट मिली लोगों ने इसको इस्तेमाल किया पसंद किया लेकिन जो फर्स्ट डी जो लॉन्च हुआ कमर्शल जो कि मार्केट में अवेलेबल हुआ लोगों के लिए दैट वॉज औरकल और वो 1979 में थी और हम ये पहले बात अभी कर चुके हैं कि इस वर्षन में ऑरिकल स्पोर्टेड well। इसके अलावा जो और डीएम डी एम उस वक्त स्टार्ट हुए और आज भी ये मार्केट में काफी मतलब प्रिवेलिंग डी बी हैं वो हैं DB2 और इंग्रेस एन सी एंड आई एस ओ डिफाइंड फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ known इन एटी सिक्स नोन एज further फर्दर एक्सटेंडेड टू 89। इसके जो सीक्ल uh, है इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो प्रेजेंट uh, हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं इन बॉडीज के थ्रू पहला जो स्टार्ट तो सिक्स में हुआ था बट इट वाज इट इज नोन एज सीक्टी नाइन तो जो इसकी एक्सटेंशन थी जो कि एटी नाइन में हुई वो एज द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ सीक्वल एक्सेप्ट किया जाता है तो पहला स्टैंडर्ड जो इसका था दैट वॉज एक्सेप्टेड दैट वॉज प्रेजेंटेड इन नाइनटीन और उसको हम कहते हैं सीक्ल एटी इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन इसमें दो हुई हैं जो दो और वर्षन आए हैं वो है सीक्वल नाइनटी एंड सीक्ल नाइनटी नाइन तो इस तरह से हमारे पास सीक्वल uh, के बेसिकली तीन स्टैंडर्ड जो है वो अब तक एक्सेप्टेड जो है वो वो आ चुके हुए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करंट डी वी एमएस सपोर्ट सिक्वल नाइनटी टू एंड मैनी नाइनटी नाइन पार्शली और कम्प्लीटली कम्प्लीट सपोर्ट सीक्ल नाइनटी नाइन की वो बहुत कम मिलती है शायद बिल्कुल ही नहीं मिलती लेकिन जो सीक्ल नाइनटी टू है वो इट इज सपोर्टेड एज अ होल बाय डिफरेंट डी वी एमएस जितने भी आजकल के मेजर डी वी एमएस हैं और 99 के कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट आपके जो डी बी एम वो सपोर्ट करते हैं एस क्यू टू डेज सपोर्टेड इन ऑल सॉर्ट ऑफ मशीन्स अब आपके पास डी बी एम हैं चाहे वो मेन फ्रेम में आते हैं या चाहे वो माइक पीसीज के ऊपर आते हैं डिफरेंट लेवल के जो आपके पीसीज हैं हर तरह के कंप्यूटर के ऊपर आपके पास जो डी बी एम अवेलेबल हैं और हर डी बी जो कि रिलेशनल है वो सपोर्ट करता है सीकल को इसमें जाहिर है कि वट इज़ द एडवाटेज ऑफ स्टैंडर्ड एस क्यू एल स्टैंडर्ड डिफाइन करने के एडवांटेजेस क्या हैं पहली बात है कि रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट इसमें यह कि आपको पता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसक्यूएल है और इट विल बी एक्सेप्टेबल इट विल बी रनिंग ऑन ऑल द रिलेशनल ऑल प्रोडक्ट्स। तो आप फर्ज करें आपको ये खतरा नहीं होगा कि मैं, आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपने इंप्लॉय को आप किस ट्रेनिंग दिलवाएं और वो एम्प्लॉय जो है वो फर्दर आपके ये नहीं, जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग दे सकता है आपको यह नहीं होगा कि अगर मुख्तु स्टैंडर्ड आए तो कौन सी इसको सिखाएं तो वो आप एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करें ऑटोमेटिकली सब पे फर्दर अप्लाई हो सकती है एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी अगर आपने एक जगह एप्लीकेशन डेवलप की है एसक्यूल की स्टेटमेंट इस्तेमाल की हैं इफ यू मूव दैट एप्लीकेशन टू अनदर प्लेस और वो भी अगर स्टैंडर्ड uh, आपके पास रेशन डी है तो वो पक्की बात है कि वहाँ भी चलेगी उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि यहाँ पे तो एप्लीकेशन चल रही है लेकिन वहाँ नहीं चल रही क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया इससे आपके उससे फर्क नहीं पड़ेगा दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन एप्लीकेशन ऑगिविटी आपकी एप्लीकेशन जो है वो लंबे वो चलती रहेगी इसलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड होंगे वो प्रीवियसली कंपेटेबल होंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फर्ज के नए उसमें में कुछ डिफाइन करते हैं क्रिएट करते हैं तो पिछली आपकी जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगी नहीं वो स्टैंडर्ड को फॉलो करने से यह कि आपके जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा लंबे अरस तक जो है न, वो यूजफुल रह सकती है आपके लिए रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल वेंडर जाहिर है कि अगर आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया है एंड नो इफ़ द डिफरेंट वेंडर्स ऑल ऑफ क्लेम ऑल ऑफ देम क्लेम के वी वी प्रोवाइड द स्टैंडर्ड एल तो उसका फायदा आपको यह होगा कि आपने अगर एक अपने एस में कोई प्रोग्राम या कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप ये डिपेंड नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ फर्ज करें कि अगर आपने ऑरकल लिया हुआ है तो सिर्फ आप ऑर्कल को इस्तेमाल कर सकते हैं वही एस क्यूएल के स्टेटमेंट जो हैं यू कैन मूव टू अनदर डी क्योंकि वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं दोनों तो वो आपकी अपन वहां पर भी चल जाएगी तो ये आप जो ना इस तरह आपकी जो डिपेंडेंस है सिंगल वेंडर के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन आपके पास एक डीबीएमएस बी या एक सिस्टम आप रन कर रहे हैं अगर आपने इसको किसी दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करनी है जो कि कोई और डीबीएमएस रन कर रहा है तो इसमें आपको जो ना कन्वीनियंस होगी कि यहाँ पे आपकी अगर सीक्ल जो चल रही है वही आपकी अगर स्टैंडर्ड तो वही आपकी दूसरी जगह भी चल जाएगी तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा इफ़ यू फॉलो दिस स्टैंडर्ड SQL is used for any type of interaction with the database through DBMS. डीबीएमएस जनि आप जब डाटा बेस में आप पास डाटा है आप जब किसी तरह की उस पर एक्सेस करनी है उस डाटा बेस के ऊपर जो डाटा आपका डाटा बेस मौजूद है उस पर किसी टाइप की आपने एक्सेस करनी है तो डीबीएमएस के थ्रू क्योंकि देखिए जो डाटा बेस इज बींग गार्डेड इज बिंग मेनटेन बाई द डीबीएमएस आपने जब भी डाटा से कोई कम्युनिकेशन करनी को एक्सेस करनी है तो आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट देंगे दैट दो स्टेटमेंट would be taken बाय द DBMS. वो उसके अपनी जो उसकी चेकिंग या पार्सिंग वगैरह करके और अल्टीमेटली उनको इम्प्लीमेंट करेगा इम्पोज करेगा अप्लाई करेगा आपके डाटा पे डाटा बेस के तरह और वहाँ से आपको फैश करके रिजल्ट या जो भी आपने एक्टिविटी की है वो उसके ऊपर वो कर देगा इससे आप क्या करते हैं राइट फ्रॉम क्रिएटिंग डाटा बेस डाटाबेस क्रिएट करते हैं टेबल्स क्रिएट करते हैं व्यूज क्रिएट करते हैं यूजर्स क्रिएट करते हैं डाटा बेस्ट टेबल्स के बारे में आप जानते हैं व्यूज के बारे में भी आप जानते हैं द थिंग दट रिकॉर्ड द एक्सटर्नल व्यूज आप फिलहाल से वही समझ लें वो आप क्रिएट कर सकते हैं इवन यूजर्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग द एस्क्यूर स्टेटमेंट्स इसके अलावा यह है कि आपके जो डाटा बेस है उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना अपडेट करना डिलीट करना ये तमाम जो ऑपरेशन हैं इनके लिए भी आप एस्क्यूर को इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसक्योर ऑलवेज इंक्लूड द फ्लेवर ऑफ द पर्टिकुलर डीबीएमएस लाइक इन नेम्स ऑफ डेटा टाइप्स यानी आपने स्टैंडर्ड तो डिफाइन कर दिया एसक्यूएल का बट माइनर मोडिफिकेशन जो हैं, वो हर जगह आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि वो जो है वो वेरी कर सकती हैं एक डी बी एम एस से दूसरे डी बी एम एस के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि वेरिएबल करैक्टर है या करैक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का जो डाटा है वो सब सपोर्ट कर रहे होंगे और इसके अलावा आपको कुछ और टाइप्स भी सपोर्ट कर सकते हैं या कुछ नामों की चेंजिंग जो है वो उसमें हो सकती है इस हद तक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये आपको हैंडल करना पड़ेगा इसके अलावा इसमें एक और जो फीचर है वो ये है जिसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सिक्यूल यानी आपके पास एक स्टैंडर्ड एस तो मौजूद है और एस के साथ एक चीज यह है कि वो आपको डेटा एक्सेस करने की तो वो को फीचर प्रोवाइड करती है लेकिन तो जनरली जो एस है वो आपको डाटा को प्रोसेस करने के लिए मिसाल तौर पर उस पर कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए उस पर कंट्रोल्स जो है शामिल नहीं है एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल जब उसमें सिर्फ आपके पास डाटा को एक्सेस करने की रिट्रीव करने के कमांड्स तो हैं लेकिन उसको प्रोसेस करने की लाइक कोई अपने कोई इस पर कंट्रोल अप्लाई करना है जैसे इफ स्टेटमेंट है फॉर स्टेटमेंट है वो जनरली एसक्यूएल के अंदर शामिल नहीं है तो जो डी बी एम एस हैं उन्होंने अप्रोच ये अडॉप्ट की है कि तकरीबन हर मेजर डी बी एम एस ने यह किया है कि दे हैव अडोप्टेड दी स्टैंडर्ड एस उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल वी सपोर्ट दैट अपार्ट फ्रॉम दैट टू इंट्रोड्यूस इट टू इंट्रोड्यूस इन इट दूटेशनल फैसिलिटीज उन्होंने यह क्या किया है? कि उन्होंने अपनी एक एसक्यूएल वो डिफाइन कर रही हुई है तो वो जो उनकी अपनी एसक्यूएल है वो जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल है थोड़ी मुख्तिफ है उसमें कुछ ऐड करती है लेकिन टू बी कॉर्ड ए स्टैंडर्ड डी बी एम एस वो स्टैंडर्ड एसक्यूल एस सच जरूर सपोर्ट करते हैं दोबारा देखें कि तमाम जो मेजर डी बी एम एस हैं वो एस क्यूएल का एक सुपर सेट आप कह लें वो वो डिफाइन करते हैं जिसमें कि वो अपने जो प्रोडक्ट के रेफरेंस है जो एडिशनल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड एस क्यूएल है वो स्टिल दे आर सपोर्टिंग मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि औरल है और इट से वी इंट्रोड्यूस पीएल एस तो पी एल एस क्यू जो क्या करती है कि जो एस क्यूएल प्लस उसका जो उसमें जो कंप्यूटेशन फैसिलिटीज हैं वो उसमें करती है इसी तरीके सेवर वो क्या करता है कि वो आपको देता है एस और वो कहते हैं कि हमारी टी एस है क्योंकि उसमें एसक्यूएल बेसिक शामिल है और प्लस उसमें जो फर्दर कंप्यूटेशन की जो स्टेटमेंट है वो एड कर दी है तो ये जो चेंजेस हैं ये जो फ्लेवर्स हैं क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा हो सकता है कि जो आपका एक एस का प्रोग्राम है अगर आपने लिखा हुआ स्टैंडर्ड एस में वो तो ज़्यादा स्टेटमेंट आपकी चलेंगी एस सच लेकिन अगर आपने उनमें कोई वो फ्लेवर शामिल कर दिया है किसी पर्टिकुलर डी का जो उसकी प्रोपर्टी कमांड्स थी मिसाल के तौर तो पर जैसे मैंने आपसे कहा टी एस क्यूएल है या पी एल एस क्यूएल है तो फिर वो जाहिर है कि उसके बारे में यू कैन नॉट बी श्योर क्योंकि वहां पर जो है वो वेंडर स्पेसिफिक चीज़ें जो उसमें शामिल हो गई हैं तो उसको फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी और वैसे ऐसे टूल भी अवेलेबल हैं कि जो ऑटोमेटिकली भी इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ये वही बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि प्रोपर्ट्री एसक्यूएल एग्जिस्ट लाइक टी एस क्यू एल इन सिको सर्वर और पी एल एस पीएलएस इन ऑर्गल डियर स्टूडेंट्स अब हम एस क्यूएल पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर है उससे पहले हमें यह भी देखना होगा कि हम एसक्यूएल थेराटिकली तो पढ़ रहे हैं पर प्रैक्टिकली हाउ विल वी प्रैक्टिस इट हाउ विल वी इट उसके लिए जाहिर है कि विल हैव टू अडॉप्ट सर्टन टूल कि किस पर्टिकुलर डी बी एम एस को हमने इस्तेमाल करना है किस टूल को इस्तेमाल करना है जो टूल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है एमएस सिक्यूल सर्वर इसको बेसिकली एम एस फीज माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर और मैंने कहा कि हम एसक्यूल को सीक्वल भी कहते हैं इसलिए हम कहेंगे एम एस सीक्ल सर्वर या एमएस एस क्यूल सर्वर इसको अडॉप्ट करने की एक रीज़न यही है कि एक रिजनेबली गुड आप डी बी एम एस है और फिर यह कि चूंकि मोस्ट ऑफ अस वी आर वर्किंग ऑन द पीसीज दैट हैव विंडोज ऑन दम तो चूँकि हमारा अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम विंडोज होता है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि ताकि इसमें आपको इंस्टॉलेशन में जो है वो सहूलत हो और ये इजी अवेलेबल भी और साइज भी बहुत बड़ा भी नहीं है तो इस लिहाज से आपको हम ये टूल इस्तेमाल करेंगे स्कूल की प्रैक्टिस के तौर पर और मेरी ये कोशिश होगी कि दमांड्स डैट वी यूज इन आवर इन आवर कोर्स वो स्टैंडर्ड एक्सक्ल की हूँ ताकि आपको अगर कोई और टूल भी इस्तेमाल कर रहे अगर आप में से कोई और फर्ज करें प्रैक्टिस करने के लिए वो एक्सेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं या फर्ज करें वो ऑरिकल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लें उसमें मोस्ट ऑफ द कमांड विल रन एज सच जो टूल हमने सेलेक्ट किया है अपने इस प्रैक्टिस परपज के लिए इस कोर्स के अंदर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूअल सर्वर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थी ऑरिकल भी हो सकता था एम एस एक्सेस भी हो सकता था बट आई अपडेड एम एस सीक्वल सर्वर उसकी रीज़न ये है कि इस रिजनेबली गुड डी बी एम एस और फिर यह है कि इस ईजी टू इंस्टॉल ऑन विंडोज़ वर्क प्लेटफॉर्म क्योंकि मैक्मम लोगों के पास हमारे पास जो पीसीज हैं उन पर विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो जो उसका सीक्वल सर्वर का जो डेस्क टॉप एडिशन आप वो लें उसको इंस्टॉल करें और वो uh, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा ये कि आई ट्राई टू टू फोकस ओनली ऑन द स्टैंडर्ड एस क्यूएल उसका कोई एडवांटेज है कि इफ़ सम ऑफ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस स्टेटमेंट ऑन समर डी बी एम एस लाइक औरगल पर करना चाहते हैं तो ये कमांड एस सच वहाँ भी रन कर जाएंगे तो ये तो मतलब हमारा uh, जो है टूल के बारे में बात हो गई और इसके अलावा ये कि जो हमारे पास सीक्ल सर्वर है उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट टूल्स हैं उनमें से जो दो हमारे कंसर्न के हैं इस वक्त जो खासतौर पे इस्तेमाल करेंगे वो है एक एंटरप्राइज एडिशन और एक है क्यूरी एनालर ये दो आप इनको आप देख लें इनकी खासतौर पे प्रैक्टिस कीजिए और खासतौर पर जो इसकी ऑनलाइन हेल्प है जो बुक्स इसकी अवेलेबल है ऑनलाइन वो भी बहुत अच्छी अवेलेबल है तो आपको जो कहीं पर अगर हेल्प की ज़रूरत हो एक्ज़ाम्पल की ज़रूरत हो तो आप उस ऑनलाइन हेल्प को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये तो है हमारे टूल के बारे में लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे अपनी एस की फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दूरी बात है जो, हम कर चुके। students, ये आप है जो भी एक प्रोडक्ट है, है, है उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और वो टर्मिनोलॉजी से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो दूसरे डी बी एम एस में टूल में भी अवेलेबल तो हो सकती है लेकिन वो एग्जेक्टली exactly सेम नहीं हो सकती इसलिए जो हम यहाँ पे जो सिको सर्वर में जो टर्मिनोलॉजी है उसका मैं मेंशन कर दूँ ताकि जब हम इसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे आइंदा तो आपके जहन में हो कि इससे हमारी क्या मुराद है और एक बात ये देखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये टर्मिनोलॉजी है ये, है, ये सच हो सकता है कि, कि किसी दूसरे डी बी एम एस पे एप्लीकेबल ना हो मिसाल के तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि और में ए सच एप्लीकेबल ना हो वहाँ पर कोई डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट स्टाइल जो इस्तेमाल हो रहा हो इसलिए आप थोड़ा सा इसको इसे फिलहाल हो जाइए

वो एक और उसकी ऑब्जेक्ट है फिर जो आपका डाटा बेस ऑबजेक्ट है जो कि आपके स्टेस का एक डाटा बेस ऑबजेक्ट है दैट कैन कंटेन मल्टीपल डाटा बेस यानी एक डाटा बेस से हमारी जब मैं कह रहा हूं कि डाटा बेस ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल डाटा बेस तो वो जो कंटेन डाटा बेस हैं उससे मुरादा है कि जो हर एक डाटा बेस है वह एक सिस्टम है जैसे हम तमाम सिस्टम की बात करते हैं जो हम डाटा बेस डेवेलपेंट प्रोसेस में है तो एक जो हम सिस्टम डिजाइन करते हैं डिवेलप करते हैं तो तो जो आपका सीक्वे सर्वर का एक इंस्टेंस है इट कैन हैंडल मल्टीपल डाटा बेसिस मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारा एग्जाम सिस्टम है हमारा पास लाइब्रेरी सिस्टम है हमारे पास इसी तरह फर्ज करें किसी और जगह का फर्ज प्रोडक्शन सिस्टम है सेल सिस्टम है वो तमाम के तमाम देख ऑल ऑफ देम कैन बी हैंडल्ड विद द सेम इंस्टेंस ऑफ सीक्वल सर्वर तो अब एक डाटा बेस के अंदर जो है वो उसके अपने ऑब्जेक्ट्स होंगे मिसाल के तौर पर उसमें टेबल्स होंगे व्यूज होंगे यूजर्स होंगे, होंगे रोल्स होंगे दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन डाटा जो कि मल्टीपल हो सकते हैं एक सीक्वल सर्वर इंस्टेंस के अंदर जब आप इंस्टॉल करेंगे सिक्वल सर्वर को उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एसक्यूल को इस्तेमाल करते हुए हम एक पहले क्रिएट करेंगे डेटा जब आपने डेटा एक क्रिएट कर लिया उसमें यह है कि उसके अंदर फिर एक डाटा बेस के अंदर डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि उसके उसके अंदर टेबल्स भी होते हैं उसके अंदर व्यूज भी होते हैं उसके अंदर रोड्स होते, होते हैं यूजर्स होते हैं

तो जब वो डाटा बेस क्रिएट करेंगे तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो एक डाटा बेस के अंदर है वो ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाएंगे अब आप जाके जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मिसाल के तौर पे अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो आप उसमें जो टेबल वाला ऑब्जेक्ट है उसमें टेबल्स ऐड करते रहेंगे जब आपने कोई व्यू क्रिएट करना है तो व्यूज़ वाले ऑब्जेक्ट में जाके आप व्यूज़ क्रिएट करते रहेंगे तो इस तरह से आप यानी एक सीक्ल सर्वर किसटम्स के अंदर मल्टीपल डाटा क्रिएट करके और उनके अंदर आप डिफरेंट डाटा बेसिस में जिसमें आपने काम करना है उसमें जाके जाएंगे और उसके अंदर आप काम करते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में वी कंक्लूडेड आवर डिस्कशन ऑन द फिजिकल डाटा डिजाइन आज हमने डिस्कस किया है वर्टिकल कि पार्टीशनिंग जिसमें हमने ये कहा कि हम टेबल को एट्रीब्यूट वाइज डिफरेंट पार्टीशन में या टेबल में डिवाइड कर देते हैं बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी प्लेस द प्राइमरी की इन ईच पार्टीशन ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम औरिजनल टेबल को वापस ले सकें अपनी सही हालत में इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड द क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग मीन्स डेट वी प्लेस डिफरेंट फाइल डिफरेंट टेबल्स इन फिजिकली एडजस्टेड लोकेशन रीजन एफिशेंसी कि जो रिकॉर्ड आपके जनरली इकट्ठे एक्सेस होते हैं साथ साथ इकट्ठे एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ पढ़े होंगे बजाय इसके कि मुख्त लोकेशन के ऊपर यहाँ हमने थोड़े टाइम के लिए अपने जो फिज़िकल डेटाबेस की डिस्कशन है उसको रोका है और इसको हम बाद में दोबारा कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे अब हम एंटर हो चुके हैं एस के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्यूर लैंग्वेज के अंदर ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करने को मिलती हैं प्रोग्रामिंग करने को मिलती है तो वो आप जो स्टूडेंट हैं उसमें ईजीली इंटरेस्ट अपना जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं तो एस के बारे में फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हम जो टूर स्टॉल करने जा रहे हैं वो सीकुल सर्वर है और जो सीकल सर्वर की थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है कि उसका एक इंस्टेंस है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट में से एक डाटा बेस भी ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जाके हम अपना डाटा बेस क्रिएट करेंगे और उसको फिर इस्तेमाल करेंगे बाकी की बातें जो है वो हमारे आंदा के लेक्चर में होंगी अब मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा अल्लाह हाफिज़